ज्ञानवापी एक मस्जिद है या मंदिर, इसी आधार पर जानते हैं। 25 जनवरी 2024 को एएसआई ने वाराणसी कोर्ट को एक 833 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में बताया है कि मस्जिद की जगह पर पहले हिंदू मंदिर था। ये रिपोर्ट किस किस तथ्य पर दी गई है सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, लेकिन इससे पहले 2 मिनट इस विवादित स्थल यानी कि ज्ञानवापी का इतिहास जान लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और इससे सटी ज्ञानवापी मस्जिद को आखिरकार बनाया किसने? आमतौर पर कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण करवाया था, परंतु इससे भी पुराना इतिहास मिलता है दोस्तों। 4th और 5th सेंचुरी में विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का वर्णन चीनी यात्री हुआन त्यांग की बुक्स में मिलता है जो कि 635 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके बाद 1197 में मोहम्मद गौरी और 1669 में औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया था और औरंगजेब द्वारा ही ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया था दोस्तों। कई वर्षों बाद 17वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास काशी विश्वनाथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। अब पुराने इतिहास को एक बार साइड में रखकर इस मामले को कोर्ट केस के थ्रू समझते हैं। मस्जिद का मामला फर्स्ट टाइम 1936 मुस्लिम पक्ष की ओर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया गया और ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने की परमिशन मांगी। कोर्ट द्वारा 15 अगस्त 1937 को नमाज पढ़ने की परमिशन भी दे दी गई थी दोस्तों। हिंदू पक्ष की ओर से फर्स्ट टाइम पंडित सोमनाथ व्यास डॉक्टर रामरंग शर्मा ने 15 अक्टूबर 1991 में वाराणसी कोर्ट में केस फाइल किया। साथ ही मंदिर निर्माण और पूजा पाठ की परमिशन भी मांगी गई थी। 1998 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा केस के अगेंस्ट याचिका लगाई। इसके बाद ये केस चलता ही गया। बाद में आई 2021। 17 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाएं राखी सिंह, लक्ष्मी बाई, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने कोर्ट में याचिका दायर की। मस्जिद परिसर में स्थित संगार गौरी जी के मंदिर का नियमित दर्शन व पूजा पाठ की परमिशन मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे करवाया था। 8 अप्रैल 2022 को वकील अजय कुमार मिश्र को कोर्ट ने सर्वे करने का ऑर्डर दिया। साथ ही 17 मई 2022 तक सर्वे की रिपोर्ट भी मांगी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति भी जताई और हाईकोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला, सर्वे करने को ही कहा। मई 2022 6 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 मई को सर्वे पूरा हुआ। इसमें नमाज सतल, वजूखाना, गुबंदो एवं दीवारों की वीडियोग्राफी के साथ सर्वे पूरा हुआ। इस दौरान मस्जिद में स्वास्तिक चिन्ह, त्रिशूल एवं हिंदू शैली के कई चिन्ह प्राप्त हुए। साथ ही वजूखाने में शिवलिंग होने के प्रमाण मिले। अब समझते हैं शिवलिंग के इस तथ्य को। मंदिर के यहाँ पर है नंदी जी विराजमान और आपको तो पता ही होगा कि शिवलिंग के जस्ट सामने विराजमान नंदी जी महाराज ही होते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आमने सामने ही है और यहाँ पर है संगार गौरी जी का मंदिर। मंदिर की इस दीवार के पार यहाँ पर है वजूखाना। अब इसे देखो, ये शिवलिंग जैसा प्रतीत होने वाला आकृति है ना, परंतु मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। जब इस फव्वारे को कोर्ट ने चलाने को कहा गया तो मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति भी जताई और फव्वारा भी नहीं चला पाए, अर्थात हिंदू पक्ष की ओर से विश्वास हो गया कि एक शिवलिंग ही है क्योंकि इसी के सामने नंदी जी विराजमान है। अब बात करते हैं एएसआई रिपोर्ट के परिणाम की। तो एएसआई ने रिपोर्ट के अनुसार बताया कि मस्जिद से पहले या मंदिर के प्रमाण मिले हैं और मंदिर के प्रमाण के साथ साथ यहाँ त्रिशूल, स्वास्तिक चिन्ह, हिंदू शैली से प्राप्त हुई दीवारें आदि मिले हैं। और अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि तहखाने में पूजा पाठ किया जाएगा, जो कि 1993 से बंद हो गई थी वही पूजा पाठ अब नियमित रूप से चालू हो गई है, अर्थात कोर्ट का फैसला भी हिंदू पक्ष की ओर ही है। अब आखिरी फैसले का इंतजार रह गया है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा।